नमस्कार, मैं माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त मांगरूर के बृहत पल्ले प्रकृति वनम में है, जो 33 लाख रुपए की लागत से लगाया गया हुआ ये प्रकृति वनम है। दर्शकों, हम सब देखते हैं कि NREGS का काम किस तरह से उभान पर है और NREGS के काम किस सतह पर चल रहा है। आप देखते हैं कि NREGS के क्रीड़ा मैदान, वो भी पूरे सफा चट है, वहाँ पर न क्रीड़ा है न मैदान है, वहाँ पर सिर्फ जानवर चल रहे हैं, वो भी हम आपको वीडियोस बताएंगे। लेकिन अभी इस मेन मुद्दे पर आते हैं कि अभी हम बृहत पल्ले प्रकृति वनम पर हैं। यहाँ पर 33 लाख के लागत से बनाया गया हुआ ये पार्क है। यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर भी आकर यहाँ पर इस प्रकृति वनम को पूजा किए हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करके नारियल भी फोड़ा गया है, उनको शाल भी उड़ाया गया है, क्योंकि इतना बड़ा पार्क जो है मांगरूड गांव में, यानी बेला मंडल के मांगरूड गांव में बन रहा है। दर्शकों, यहाँ पर अगर एक भी झाड़ दिखाई दिया तो हम समझ सकते हैं कि वो 13 लाख का होगा, लेकिन वो एक भी झाड़ नहीं है। एक दो चार झाड़ भी रहते थे तो 7-7 लाख रुपए का एक झाड़ माना जाता था, लेकिन यहाँ पर एक भी झाड़ नहीं है। बल्कि यहाँ पर हर वो झाड़ होना चाहिए था, हर वो प्रकृति वनम जिस तरह से होता है उस तरह से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सपा चटाक मैदान है। अभी यहाँ पर सवाल पूछा गया, सेक्रेटरी से पूछा गया, तो सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हम ये जो जगह है वो पथरीली जगह है, इसलिए यहाँ पर झाड़ पनप नहीं रह रहे हैं। अब यहाँ पर इन लोगों सेक्रेटरी कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर हमने पानी भी दिया, लेकिन पानी झाड़ को पानी भी दिया, लेकिन झाड़ यहाँ पर पनप नहीं रहा है, यहाँ तो झाड़ ही नहीं दिख रहा। तो फिर ये सेक्रेटरी या पंचायत सचिव यहाँ पर किस कौन से झाड़ को पानी दिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ पर जड़ से लेकर तो पेड़ तक, यानी सर से लेकर पांव से लेकर तो सर तक, यहाँ पर पूरा करप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से पैसे उठाने या तो पैसे गवर्नमेंट के बर्बाद करने का नतीजा दिख रहा है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की तरफ से आई योजना है, यहाँ पर किसी की नज़र नहीं है। क्योंकि NREGS के पूरे ऑफिसर सोए हुए हैं और पूरी तरह से जिसे IG कहा जाता है उस तरह से है। इन लोगों को पैसे चाहिए और नाम चाहिए, बस सिर्फ नाम के लिए ये पार्क है। यहाँ पर आप जो खंभे देख रहे हैं ये सिर्फ नाम के लिए एक शनाखत है कि यहाँ पर एक पार्क है, लेकिन यहाँ पर पार्क के वैसा पल्ले प्रकृति ग्रह पल्ले प्रकृति वनम के जैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी हम सवाल पूछते हैं उन NREGS ऑफिसरों से कि आप सरकार के पैसे कहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं और ये 33 लाख में यहाँ पर एक 50,000 का भी काम नज़र नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर एक झाड़ तो छोड़िए, यहाँ पर सिर्फ जंगली झाड़ के अलावा दूसरा आपको कोई झाड़ नहीं मिलेगा और वो झाड़ पूरी तरह से प्रगति पर है। क्या फिर लगाए हुए झाड़ वो कहाँ पर है, यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको कोई संदेह है तो हम आपको एक वीडियो भेजेंगे, आपको वीडियो दिखाएंगे, उस पर आप सोचिए। लेकिन किस तरह से NREGS के काम चल रहे हैं ये हम आपको आंखों के सामने बताना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं कोबे गाँव मधुन गिरी भोयर बोलता हूँ। हम गाँव मधे पल्ले प्रकृति वर्ण पाया आलेले माय माउली समाचार आमचे भाई हे काय आहे, पूर्ण तरुणा वापून आहे, पल्ले प्रकृतीचं काही दिसत नाही आहे आमच्या गावामध्ये। पल्ले प्रकृतीकडून जे 12 लाख येते गव्हर्नमेंट घेते, त्याचा उपयोग दुरुपयोग होत आहे पूर्ण। एक झाड नाही आहे, पूर्ण झाडं फेकून देऊन आहे, वारून गेलेली आहे पूर्ण। पाण्याची सोय नाही झाडायला, काही नाही, असं की आपल्याला ऑक्सिजन देते ते ऑक्सिजनकडे आपण लक्ष दिलं नाही तर आपल्या गावाची म्हणा का आपल्या देशाची म्हणा कशी उन्नती होणार। पूर्ण गव्हर्नमेंट अगोदर होते ते झाडं लावायले पाहिले, ते पण झाली नाही। अशी कामं केल्यानं गावाची कशी उन्नती होणार? पूर्ण गव्हर्नमेंट देत आहे पण त्याचा उपयोग दुरुपयोग करून चाललेला आहे। पल्ले प्रकृतीच्या विरुद्ध गृहपल्ले प्रकृती झालेली आहे, पूर्ण परिस्थिती बिकट आहे, याच्याकडे थोडं लक्ष देईल। धन्यवाद। ये हमारे पल्ले प्रकृति वनम का हाल देखिए, एक बार एक भी झाड़ बच के नहीं है। ये पल्ले प्रकृति वनम है मालूम नहीं है, बृहत पल्ले प्रकृति वनम है बोल के मालूम नहीं। पल्ले प्रकृति वनम के लिए 12 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑलरेडी सैंक्शन करके वो उसके अलावा और बृहत पल्ले प्रकृति वनम होगा तो इसको 33 लाख बोले तो 33 लाख इतना सैंक्शन है, एक भी काम नहीं है। एक 50,000 का काम नहीं दिख रहा, वो तो लाखों की बात छोड़ दो। ये ऐसे काम आ करे तो ये हमारे पूरे करप्ट अधिकारियों की वजह से ऐसे हो रहा है। ये नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। ये आप देख ले सकते वहाँ पे झाड़ा फेंक के इधर के उधर, ये कैसा है मालूम? ये दूध पी रही लेकिन आंखें लगा के पीती,
आके लगा कि पीती मेरे कोई भी नहीं देख रहा बोल के जैसे देखता ना, वैसी चीज हमारे कुब्बई की भी हालत है। ये कैसा है, ये बिल्ली की तरह काम कर रहे हैं ये लोग। ये कैसा बोले तो हमारे बोलने वाला नहीं है, हमारा इष्ट राज्य में सरपंच नहीं है गांव में, ये कोई बोलने वाला नहीं है बोल के जी काम कर रहे बोल के हम ये बोल रहे। हम सरकार से रिक्वेस्ट कर देगी, हम सरकार को रिक्वेस्ट कर देगी, ये NREGS के जो ऑफिसर आ है, ये हमारा पंचायत सेक्रेटरी है, ये पूरे उनके मिली भगत है, ये काम एक बार आके देखो साहब आप ये कैसा है। इसमें ओरिजिनल वाजबी होगा तो हम आपको कौन सी भी शिक्षा दो हम लेने के लिए रेडी है, ये नहीं होगा तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ली जाए बोल के हम डिमांड कर रहे।